नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और फाइनली दोस्तों, रीट एग्ज़ाम को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पे मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान में जो है बोर्ड एग्जामिनेशन को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या रीट की जो एग्ज़ामिनेशन है यहाँ पर आगे जाएगी या नहीं, या फिर 20 जून को यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाली। तो गाइस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जो है एक बार एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनके भी यहाँ पर डाउट क्लियर हो सकें कि आखिरकार एग्जाम आगे जाएगी या नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर वाला बटन आपको दिया हुआ है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो राजस्थान में किसी भी भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट rkl.in पर पा सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी आके rkl.in सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ऑल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी है उनसे रिलेटेड आपको सारी की सारी अपडेट मिल जाती है, इस लिंक के जरिए आपको सारी की सारी अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा रीट भर्ती, राजस्थान पुलिस रिजल्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आप सारी की सारी अपडेट पा सकते हैं। अगर आपको रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट आपको जो है यहाँ पर रीट लेटेस्ट न्यूज़ वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप जो है रीट भर्ती से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट पा सकते हैं, यहाँ पे वन बाई वन करके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस। तो लिंक मिलेगा, आप वो जाइए चेक कर लीजिए। अब जो मेनली अपडेट है वो जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि देखते हुए जल्द फैसला लिया जाएगा कि 20 जून को रीट परीक्षा होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। मई जून जुलाई में कोरोना की सबसे बड़ी पिक आने वाली है, मई जून जुलाई में, ठीक है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। CBSE की तरह 10वीं बोर्ड के छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन 12वीं की परीक्षा हर हाल में रीट परीक्षा में 16.50 लाख अभ्यर्थी हैं और वह परीक्षा जिला मुख्यालय पर आयोजित होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। रीट परीक्षा दो जो 20 जून को है वो किसी भी हाल में यहाँ पे नहीं हो सकती, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको मैं जो है मेनली एक इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है ये जैसे आप आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ABP न्यूज़ की तरफ से जो यहाँ पे एक न्यूज़ है, यहाँ पे आपको पता होगा कि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, शुक्रवार शाम 6 बजे से लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, ठीक है। इनके ट्विटर अकाउंट से एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ एक बार। ये जो है मेनली इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ट्विटर अकाउंट इनका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। आप सभी से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ठीक है। इसको लेकर के जो है अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि संक्रमण को फैलने को लेकर के जो यहाँ पर बड़ी अपडेट है, तो ऐसे में यहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान किया जाएगा शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक। अगर स्थितियाँ अनुकूल रहती हैं 2-3 दिन में तो क्या होता है वैसे, तो फिर है तो सोमवार से दोबारा से वापस जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉकडाउन को वापस एक बार ऐलान हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कोरोना जो है एक बार फिर से बैकअप कर चुका है। ऐसे में यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हैं, तो ऐसे में रीट के एग्ज़ाम पर भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से 50-50 अभी चांस है, रीट के एग्जामिनेशन यहाँ पे 20 जून को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अभी तक सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई फैसला नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा वैसे ही एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर राय दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है कि अभी तक सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है अपन जो है यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं मान सकते। तो आज के लिए इतना ही था इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।